तो हेलो यार, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ओए हम तो बहुत चंगे हैं। तू अपनी बता, तू कैसा मैं तो बहुत ज्यादा बुरा हूँ, और आने वाले जो 10 मिनट है ये तुम्हारे बहुत बुरे जाने वाले हैं, क्योंकि इस 10 मिनट के अंदर तुम अपनी सोच और समझ को अलविदा कहने वाले हो। बस यही सोचोगे यार कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। आज हम यूट्यूब की कुछ ऐसी गलियों में जाने वाले हैं जहाँ आप अपने आप को ही गाली बकने के लिए मजबूर हो जाओगे। चल अपनी सीट की पट्टी बांध लो और चलते हैं यूट्यूब के बाल वाली गलियों के चौराहे पर, जहाँ फर्क नहीं पड़ता आप 5 साल के हैं 10 साल के, आप शादी कर सकते हैं। जहाँ फर्क नहीं पड़ता आप बुड्ढे हैं या बच्चे, आप शादी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप पहचान गए तो आप सही पकड़े हैं। यह है निब्बा निब्बियों का इलाका, पृथ्वी की ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरी या तीसरी में भी हो तब भी आप शादी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने बच्चों के भी बच्चे पैदा कर सकते हो, मतलब बच्चों के बच्चे बच्चों के भी बच्चे ऐसे करके पैदा कर सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर आप गलती से भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो यहाँ पे आप पागल करा दिए जाओगे। चलो यार टाइम भी लूंगा, स्टार्ट करते हैं। करना परेशान हो गए हम लोग। हिम्मत देख रहे हो, मतलब इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब पब्लिक प्लेस में बैठ के ये जिंदा लड़की छेड़ रहा है। एक सवाल पूछो, इसकी उम्र कितनी होगी यार? सच बताओ इतनी उम्र में तो हम अपनी गली के कुत्तों से पंगा लिया करते थे, मतलब पत्थर मार के उन्हें भाग दिया करते थे, और बहुत सारे कुत्ते अगर हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारी पैंट गीली हो जाया करती थी। यार बन जाते क्या यार, यार? नहीं यार। कौन सा गाना सुनेगी? चल मेरे मुंह से वो गाना सुना। ओ तो तू अब हमें गाना भी सुनाएगा, तो सुना दे भाई। मैं तुमसे पूछता हूँ यार, तुम बताओ तुम कौन सा इस नन्ने मुन्ने अन्नू मलिक से गाना कौन सा सुनना चाहोगे? मैं तो यही सुनना चाहूंगा। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरे मम्मी पापा को भी खुश रहूँ, तेरे घर में एक दामाद आएगा, तेरी मम्मी खुश तेरे दामाद से, ठीक है? प्लानिंग सुनी आपने, मतलब फ्यूचर प्लानिंग देख रहे हो उसकी कितनी खतरनाक। मतलब ये भी खुद अभी ये बच्चा है, खुद अभी अपने अंडे से बाहर नहीं आया है, और इसे अपने बच्चे करने हैं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तेरे घर वाले से जो कि मैं हूँ, मेरे घर में बहू आएगी। ये लड़की इससे ज्यादा समझदार है, इसकी उम्र खुद इतनी सी है लेकिन इसके सपने तारों के शहर जाने के हैं, और यही नहीं अभी इसका आगे भी है। रानी बना देख, हमारे बच्चे होंगे छोटे छोटे सन। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कुछ भी यही नहीं। अभी और सुनिए, तुझे इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, इतनी देर से सॉरी कह रही हूँ, मान जा भाई। क्यों क्यों कर ले, कर रही है मेरे साथ यहाँ पे, जा यार। अरे ओ शिट, ये क्या हो गया? सच्चे प्यार में टकरा ना, बच्ची है भी तू जा, बच्ची है भी तू जा, बच्ची है भी तू जा। रामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह। अच्छा जी मैं बच्ची, तूने मुझे प्रपोज किया वो कोई नहीं है ना भाई, प्रैंक था मेरी, प्रैंक था वो, प्रैंक इतना बेहुदा। और ये प्रैंक 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 प्रैंक, ये कैसा तमाशा, मतलब इस प्रैंक ने पूरी लोगों की जिंदगी जंग कर रखी है। सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ, वो देख कैमरा, प्रैंक। मतलब सब कुछ हो जाता है, एंड टाइम पे बंदा आके बोलता है प्रैंक। यार तू इधर बैठ जा, आई लव यू खान। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर ये प्रैंक शो इतना ही ताकतवर है तो मुझे लगता है रशिया और यूक्रेन को इसकी ज्यादा जरूरत है। प्रपोज तूने किया था, प्रपोज तूने किया था, मैंने नहीं प्यार मैंने किया था, तूने नहीं। आखिर कहना क्या चाहती है मेरे भाई, क्या बोल गई है? मतलब इसको वीडियो बनाने की इतनी जल्दी थी कि इसने अपनी स्क्रिप्ट भी याद नहीं करी, बस इसके बोलने का तरीका मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आई लाइक इट। प्रपोज तुमने किया था, हमने नहीं, प्रैंक हमने किया था, तुमने नहीं। तुम सही समझ रहे हो यार, ये ऑनलाइन क्लास के नतीजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। What is the name of our galaxy? अपने गैलेक्सी का नाम क्या है? Samsung Galaxy. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. हमें छापरी, हमें छापरी, बेटे।
म्यूजिक करा ली जंड पड़ गई कलेजे को ठंड। मतलब इस बंदे को दिख रहा है कि अगले रास्ते का बंदा इधर से नाली वगैरह है तो यहाँ से ना जाके अगले रास्ते से आप जा सकते हैं, लेकिन नहीं इसी तो इसके बाबू के लिए बनना था मेरी क्लास को सुधर के जाता, क्योंकि इसके बाबू कैसे बताएगा कि ये इतना प्यार बोलता है तो इसलिए अपने बाबू के लिए फूल बन गया है। मेरे दोस्तों कानून को तो लोग बिना बात के अंधा कहते हैं। वो भाई सारी गर्मी का इसी को लग गई है क्या? अब उसे भी तो कुछ करने का मौका दे, उसे भी कुछ बोलने का मौका दे, तब से तेरी शक्ल देके जा रही है। और सर बताओ अभी तक मुझे ये पहली ऐसी निब्बी दिखी जिसको अपने निब्बों में क्या बोलती है ये पहली ऐसी निब्बी दिखी जिसे अपने निब्बे में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब लिटरली देखी जा रही है उसे। और मुझे लगता है कि क्या कोई अद्दा दर्द है एक के बाद। और यार मैं तो ये सोच के अभी तक हैरान हूँ कि चार पांच जुटिली भर के लड़कियां लेके घूम रहे हैं और हम अभी तक हमारा मैदान दूर दूर तक साफ है। तो मेरे मन से तो ये आवाज आ रही है देश संकट में है। ये क्या देख लिया मैंने? माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा हूँ। इसे बोलूँ क्या? मुझे इसमें से ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से निब्बा कौन है निब्बी कौन। बाकी अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हो तो कम से कम नीचे कैप्शन डाल दिया करो यार, क्योंकि हर कोई आपके जितना समझदार नहीं है। बने पे कुछ ज्यादा ही पुरानी निकले और अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, ये दोनों साउथ पोल के सीवर इस दुनिया के नहीं है। देख 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 इसका स्वैग देखो यार, कसम से मतलब इसी पे सारी लड़कियां बेहोश हो गई। और पेड़ के पीछे से ऐसे निकल रहा है जैसे कितना बड़ा काम करके आया हो, और ज्यादा दूर तक मत सोचो, सिवाय घास गीली करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, ऊपर से हाथ तक नहीं धोया इसने स्लो मोशन करके कारण तो इसने इतनी स्वैग के साथ चेंज को बंद किया है। सच में यार इसमें कई लोंडो की मौत हो गई, यही तो कयामत है। इस उम्र में तो हम अपनी चेन को पूरा टाइम दिया करते थे बंद करने के लिए, क्योंकि समझ रहे हो ना। म्यूजिक अपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। मतलब ये तीनों लोमड़ियां अपनी जुल्फे बिखेर रही हैं और सूबेदार की तरह शकल देखो यार, एक बार शकल देखो इसकी, सूबेदार नहीं ऐसा लग रहा अभी किसी ने इसे सूट दिया हो। और ये जंगली कैटरीना कैफ भाई मारो मुझे पिला पिला, अब साला कुछ जहर पिला, मतलब मेरे से नहीं हो रहा यार अभी। अरे कितना आनंद आ रहा है, मतलब कसम से मतलब सारी दुनिया की फीलिंग ये चूजे ही ले रहे हैं। और इनकी शक्ल देख लो, ये वही बच्चे हैं जब इतनी उम्र में शादी कर लेते हैं और जब कोई अगर बंदा इन्हें आकर रोकता है तब इनकी ये फिलोसफी हो कि दुनिया ही चूतिया, ये समाज हमारे सच्चे प्यार को नहीं समझेगा। सिमरन रंजा इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता, जा सिमरन जा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरी चारों आंखें अब थक गई हैं ये सब देख के। तो दबा के लाइक करो यार और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, और जो लाल वाला बटन है उसे क्लिक कर दो या अपने साथ उठा के ले जाओ मेरे भाई, लेकिन क्लिक कर देना।